तो वो बड़ी खबरें जिनके ऊपर हमारी नजर रहने वाली है पूरे दिन, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो आप जान लीजिए, वो है 9 महीने के बाद आज भारत और नेपाल के बीच सुबह 10 बजे बातचीत शुरू होने वाली है। देखिए, जो उत्तराखंड के 3 जगहों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया था, जिनमें काला पानी, लिपुलेख, लिंपिया, धुरा था, उनके बाद से तनाव बढ़ गया था। लेकिन 15 अगस्त को जब फोन किया था केपी शर्मा ओली ने, तो उसके बाद ये तनातनी कुछ कम हुई थी। आज बात है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत में कुछ राजनयिक जो मसला है वो भी हल होगा। दूसरी बड़ी खबर आज की जो है वो है फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर के। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला किया है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, लोगों को अपने फेवर में लेने की कोशिश की जाती है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी को यह कह दिया है कि जो अपनी ही पार्टी के लोगों को अपने फेवर में नहीं रख पाता है, वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि पूरे विश्व को वो अपने फेवर में ले रहा है। प्रिया, अगली बड़ी खबर। तो चलिए, तीसरी बड़ी खबर आज की कौन सी है वो आपको बताते हैं। दरअसल गांदरबल उधमपुर जिले में ट्रायल के तौर पर 4G इंटरनेट शुरू किया जाएगा, यानी कि ये वो जिले हैं जहां पे ट्रायल के लिए 4G इंटरनेट जो कनेक्शन है वो शुरू किया जाएगा, और वो भी पोस्टपेड के लिए। और ये एक अच्छी खबर है, लेकिन सिर्फ इन्हीं जिलों में अभी ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं। अगली कौन सी बड़ी खबर है आज की, ये हम आपको बताते हैं। चेतन चौहान का निधन हुआ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन हुआ। आज होगा इनका अंतिम संस्कार, और कोरोना से ये पीड़ित भी थे। और इस बीच खबर ये भी आई थी सामने कि किडनी भी फेल हो चुकी है इनकी। तो ये बड़ी खबर थी आज की। सबसे आखिर बड़ी खबर पांचवी कौन सी, नीतीश सरकार ने मंत्री श्याम रजक को जेडीयू से निकाला। आरजेडी में हो सकते हैं शामिल, क्योंकि बिहार इस वक्त चुनावी मोड पे है, तो इस तरीके की चीजें बिहार में आम हो जाती हैं। कभी आरजेडी और जेडीयू भी आपको एक मंच पे दिखे थे, आज दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, ऑपोजिट हैं। तो ये सिलसिला बिहार में अब शुरू हो चुका है। तो चलिए, ये बड़ी खबरें आज की पांच तो आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से दिखाते हैं आपको खबर। सीमा विवाद और तल्ख बयानबाजी के बीच आज भारत और नेपाल 9 महीने के बाद पहली बार बातचीत करेंगे। काठमांडू में ये बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत के नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना है। लेकिन इस बीच दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे बातचीत भी कर सकते हैं, मुद्दों पर बातचीत होगी। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे, और भारतीय दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन करेंगे। लेकिन बातचीत भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ने का काम किया है। तो चलिए रुख कर लेते हैं, रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रमन, देखिए, बातचीत तो इस बारे में होनी है कि जो भारत विकास कार्य कर रहा है नेपाल के अंदर, उसी के सिलसिले में ये बातचीत है। लेकिन उम्मीद हम ये भी जता रहे हैं कि शायद इसी के साथ साथ कुछ राजनयिक जो मसले चल रहे हैं उन बातचीत का रास्ता भी खुलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया शालिनी, और कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटियो जो बिरगुमारी लात। विष्णु भगवान को भृगु जी ने लात मारी, लेकिन भगवान हरि का क्या गया, वो उतने ही विशाल रहे। तो बड़े लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। और लगातार ओली जी का उत्पात चलता रहा पिछले कई महीने से, वो कई तरह के बयान देते रहे, भारत विरोधी बयान देते रहे, धर्म और संस्कृति के विरोध में बयान देते रहे। लेकिन वो पड़ोसी देश है, और भाई और छोटे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है भारत और नेपाल का, रोटी बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल का। कई जगह पे भारत और नेपाल की लगभग 1880 किलोमीटर की सीमा है जो खुली सीमा है, भारत पाकिस्तान की तरह बंद सीमा नहीं है। दोनों देशों की संस्कृति पानी में मिली हुई है, पानी की तरह आपस में मिली हुई है। तो इसलिए क्षमा एक बड़ा रास्ता है, और साथ ही साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि चीन के प्रभाव से नेपाल को मुक्त करना है। तो इसलिए ये वाली जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि बैठक का जो एजेंडा है वो ये है कि भारत ने जो प्रोजेक्ट्स पे वहाँ निवेश किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, उन पर बात होनी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ओली का बयान का फोन आया है, उससे ये लगता है कि अब हर मुद्दे पर बात होगी। और भारत की पूरी कोशिश यही होगी कि जो नक्शा है, जो बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर विवाद किया गया, जिन मुद्दों पर चाइना का प्रभाव नेपाल पर देखने को मिला, वो प्रभाव कम हो और चाइना की पकड़ से नेपाल निकल सके। ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो लाल किले से बातें सामने रखी और ये स्पष्ट कर दिया बिना नाम लिए ही कि कोई भी देश हो, चाहे पड़ोसी हो या फिर ना हो, उनसे रिश्ते तभी अच्छे होंगे जब उनसे मनभेद नहीं होगा। नेपाल ने वो अपनी सीमा पार कर दी थी, और जैसा शालिनी ने भी बताया कि किस तरीके से वो भारत
के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया उसने और उन जगहों को उसने अपना बताया था। तो ये अब उसे समझ में आ गया है कि भारत के साथ अगर वो संबंध सुधार के नहीं रखेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को नहीं नेपाल को उठाना पड़ेगा, चीन और पाकिस्तान उसके काम नहीं आने वाले। प्रिया देखिए, हर देश के साथ जो राजनीतिक संबंध होते हैं वो अलग तरह से होते हैं, हर देश के साथ जो रिश्ता बात करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। चीन के साथ अलग है, पाकिस्तान के साथ अलग है, नेपाल के साथ अलग है। नेपाल हमारी सीमाएं नहीं साझा करता, नेपाल हमारे साथ संस्कृति भी साझा करता है, तो इसीलिए लगातार संयम का परिचय भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लगातार बयान आते रहे लेकिन भारत की तरफ से संयम बढ़ता गया, क्योंकि भारत का जो नेपाल पड़ोसी देश है वो उसकी तुलना पाकिस्तान और चीन से बिल्कुल नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात, अंदर ही खाने ओली के ऊपर अपने देश के लोगों का दबाव था, अपनी पार्टी के लोगों का दबाव था, उनसे खुद कहा जा रहा था कि आप भारत विरोधी नीति ना अपनाएं, तो जरूरत सिर्फ इतनी थी कि उन्हें चीन के चंगुल से बचाया जाए, ड्रैगन के दबाव से बिल्कुल निकाला जाए। सत्ता जाते जाते बची है उनकी ओली, कैसे ये भूल सकते हैं कि क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है और उन्हीं के देश में उनका पुरजोर विरोध किया गया पार्टी की भी तरफ से। बहरहाल रमन, बने रहे आप हमारे साथ।